अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मशीन में एक ख़राबी हुई है। ये देखिए, ये दांत कुछ ज़्यादा हिल रहा है और कपड़ा सही से खींच नहीं रही है। आज इसका सेटिंग करने का तरीका बताते हैं। इसमें रड में नीचे का जो बड़ा रड होता है ना, उसमें ख़राबी है। फिलहाल मैं आप सिलाई मार के दिखा देते हैं। ये देखिए, सिलाई ज़्यादा किनारी का हो रही है, यानी सिलाई जितना पे चलना चाहिए उतना पे चल नहीं रही है। यहाँ पे ज़्यादा है, ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादा सिलाई लग गई है। यहाँ पे साफ किनारी हो गई है, यहाँ पे साफ किनारी हो गई है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यानी एक जैसा चल नहीं रहा है। ये इसके वजह से हम आपको खोल के दिखाते हैं इसको। ये देखिए, ये दांत बहुत ज़्यादा हिल रही है, इतना नहीं हिलना चाहिए था। इसके वजह से ना ये जंप कर रही है ज़्यादा और सिलाई अच्छा खींच नहीं रही। ऐसे भी हिल रही है और आमने आमने सामने में भी हिल रही है, यानी दोनों तरफ से हिल रही है। मैंने मशीन को पलटी कर लिया हूँ और इसमें खराब ये जो रड है ना, ये ज़्यादा हिल रही है। हमको ये रेड को सेटिंग करना है। ये देखिए, ये चलते चलते ये घिस जाती है इसका पार्ट। हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं कहाँ पे घिसती है, जिसके वजह से ये देखिए 14 का पाना से खुलेगी। ये बोल्ट खोल के इसको भी निकाल लेना है, यानी बिल्कुल नहीं निकालना है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल खाली हो गई है जगह। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये बोल्ट को खोल लेना है हमको। ये बिल्कुल फ्री हो गई है, ठीक है, ये खुल गई है ये घाट से। ये देखिए, हम इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा ये जाम पड़ जाती है कभी कभी, तो हम इसको इसका जो कचरा है इसको ऐसे निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ये बोल्ट को ढीला करेंगे ताकि ये सरक जाए ऊपर। इसको हम ऊपर कर लेंगे, ये ऊपर हो गई। किसी चीज़ में अटक रहा है, देखते हैं। ये जो जिसको शटर को रोक के रखता है, ये इस चीज़ रोक रही है इसको। हम इसको खोल के हटा लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल निकल गई है। ये जो दांत है हमारा, इसमें जो दांत फिट किया हुआ है, ये बिल्कुल निकल गई है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे खराबी है। ये देखिए, इसके अंदर हॉल रहता है, देखिए ये हॉल रहता है। ये क्या है, अप एंड डाउन करता है ना, इसके वजह से है ना ये घिस जाती है। घिस जाने की वजह से है ना, ये अभी मैं ऐसे लगाया तो बिल्कुल फिट हो गई है, अभी इसको हिलने नहीं देगी। और पहले से जो फिक्स रहता है ना ये बोल्ट, तो उतना भी क्या अंदर का जो पार्ट है लोहा घिस जाती है, घिस के कट के बाहर गिर जाती है। इसके वजह से ये इसका जो दांत का सेटिंग है ना,
ऊपर नीचे ज़्यादा इसमें ढक आ जाती है, यानी इसमें ज़्यादा ढक आ जाए तो आपका सिलाई अच्छा नहीं देगी और किनारी उतर जाएगी सिलाई का। इसको भी हम चेक कर लेंगे, ये जो छोटा सा चक्की है अगर इसमें भी कुछ ख़राबी रहे, जाम रहे तो मशीन जाम चलती है, तो ये थोड़ा सा जाम चल रही है। क्या है ये, जब रहती है तो सही से तेल डालने के लिए बनता नहीं है, तो अब इसमें हम सही से तेल डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छा से तेल में डाल देंगे ताकि बाद में तकलीफ़ ना पहुंचाए। और जब हम इसको खोले हैं तो हम इसको ये भी चेक कर लेंगे कि इसमें ढक तो नहीं, नहीं ये परफेक्ट है, इसमें ज़रा भी ढक नहीं है, ये अपने जगह पे फिट है। अब इसको क्या करेंगे, इसको जैसा था उसको हम फिट कर लेंगे, लेकिन हिसाब से हम इसको फिट करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये दांत को रोक रहा है फिट करने में, तो हम ये दांत को खोल के हटा देंगे। अभी आसानी से चला गया है। अभी बोल्ट को हम इसमें टाइट करके सपोर्ट डाल देंगे। अब इसको बिल्कुल टाइट नहीं करेंगे, इतना ढीला रखेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक एक बराबर हम टाइट करेंगे। इसमें बीच में स्क्रू ड्राइवर लगा लेंगे, ये बोल्ट को ढीला करेंगे। अब इसको हम टाइट करेंगे ताकि हमारा दोनों बीच सेंटर में जाए। अब इसको हम फिक्स कर देंगे। इसमें दो तरफ से टाइट होती है, एक बोल्ट इधर टाइट होती है, ये वाला जो बोल्ट उधर टाइट होती है, ताकि ये फिक्स हो जाती है। अब इसको अभी फिक्स नहीं करेंगे, पहले वो साइड का हम फिट कर लेंगे। अब इसको हम ये बोल्ट को हम फिट करेंगे। हम इसको इतना पे रखेंगे, अब इसको हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम चेक करेंगे मशीन चला के कि हमारा मशीन भारी तो नहीं है, कहीं सही से बोल्ट कुछ ज़्यादा टाइट तो नहीं ना हो गया है। हम यहाँ पे पेचकस पकड़ के, ये पेचकस से इसको ड्राइवर से हम इसको पकड़ के रखेंगे ताकि खाली बोल्ट टाइट हो और इसका बोल्ट घूमे ना। जो मैं यहाँ पर का जो शटर का स्टार्टर है इसको खोला, हम इसको फिट कर लेंगे। इसका दांत बैठाएंगे। इसको अच्छा से हम टाइट कर लेंगे। हम देखते हैं मशीन चला के, ये देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है,
ये प्लेट को ऊपर तोड़ देगी। तो हम पहले इसको दांत को नीचे कर लेंगे, तब इसको फिट करेंगे। ताकि ये 20 सेंटर में रहे। अब हम सिलाई मार के देखते हैं। अब ये देखिए अच्छा खींच रहा है, पहले कितना हल्लू हल्लू खींच रहा था, अभी कितना अच्छा खींच रहा है। अब सिलाई हम चला के देखेंगे। अब इसको हम सिलाई मारते हैं। अब इसको देखते हैं, ये अभी जो सिलाई मारे हैं, ये अभी का सिलाई है, पहले सिलाई मारे थे पहले का सिलाई है। ये देखिए पहले का सिलाई में कहीं कहीं पे उतर गया है, किनारी उतर गई है। देखिए यहाँ पे किनारी उतर गई है। ये देखिए यहाँ पे दम किनारी उतार दिया है, ये दांत के वजह से किनारी उतर गई है। इधर का सिलाई एक जैसा हुआ है, एक जैसा। ठीक है, मेरा जब जब मेरे मशीन में कुछ ख़राबी होता है तब तब मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे कोई कुछ कमेंट किए हैं तो मैं उस पर तरीका बता देता हूँ, उससे क्या है वो सुधार कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है उतना मैं बता सकता हूँ। अब ये नीचे से देखते हैं। ये देखिए पहले कितना हिल, ये हिल रही थी, अब कितना हल्का हिल रही है। तो ये हल्का हिलेगी, अगर ये बिल्कुल टाइट कर देंगे तो हमारा ये जाम पड़ जाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है हमें कॉमेंट करके बताएँ। आपके मशीन में कोई भी सवाल है क्या है, हर जगह का अलग अलग सी भाषा है। जैसे ये बहुत से जगह पर ये इसको कहते हैं चाँप, और बहुत से जगह पे इसको कहते हैं दाब। तो ऐसे बहुत तरह का नाम होती है। तो आप कोई भी पार्ट के बारे में बोलते हैं तो अगर हमें समझ में नहीं आता है तो फिर फिर से मैं अगर रिप्लाई करता तो आप मुझे साफ पूरा डिटेल में बताएंगे तो मैं उसका सही से तरीका बता सकता हूँ। अगर आप हमें सही से उसका डिटेल नहीं बताएँगे कौन सी जगह पर क्या ख़राबी हो रही है, और छोटी लाइन में आप कॉमेंट करते हैं, छोटी लाइन में पूरा डिटेल करके बता दीजिए ताकि मुझे समझ में आए। आप कमेंट करें, आप मुझे समझ में ना आए तो फिर मैं कैसे उस पर वीडियो बना सकता हूँ या आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो बहुत से जगह पे हर पार्ट का देखिए, ये जो अभी मैं इसका सेट किया हूँ इसको दांत कहते हैं, बहुत से जगह पे इसको दांतरी कहते हैं। ये देखिए बहुत से जगह पे इसको दांतरी कहते हैं, दांत कहते हैं, और बहुत से ऐसे नाम भी हैं।